मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही। उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है।